प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत की और जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर लोगों में फैले आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों के लिए कानून को मजबूत और सख्त बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो लोग अपराधियों को बचाते हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, आज मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से भी कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है।